हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आयुष वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज, उसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों एक देश है टर्की जो बहुत ही खूबसूरत है, वो जाना जाता है अपने लजीज सिकंदर कबाब के लिए, जो उसकी सिटी है इस्तांबुल, उसके बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर के लिए, वहाँ के मॉस्क्स के लिए और लैंडस्केप के लिए। टर्की के कारपेट्स है और रग्स, वो भी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। एंड टर्किश डिलाइट, दोस्तों हम ये कैसे भूल सकते हैं यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई जो है टर्किश डिलाइट। और यहाँ के जो बाथ हाउसेज होते हैं जिसे कहते हैं हमाम, और वहाँ पे जो मसाज होते हैं, इतना ब्यूटीफुल देश है टर्की। लेकिन दोस्तों इस सुंदरता के पीछे टर्की का एक बहुत ही काला सच छुपा हुआ है, और वो काला सच क्या है, दैट इज़ द फीमेल मर्डर्स, जो फेमिसाइड्स वहाँ पर होते हैं। और ये जो फीमेल मर्डर्स है दोस्तों, ये राइज पर है, साल दर साल इनकी जो नंबर्स है ये बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 2019 में दोस्तों वहाँ पर 500 से ज़्यादा रिकॉर्डेड मर्डर्स हुए हैं, और कितने ही अनरिकॉर्डेड गए होंगे हम ये उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। टर्की doesn't have any official statistics on the femicides which happen there. According to the World Health Organization, almost 38% of women in Turkey are subjected to some kind of violence by their partners. Recently, a burned body of a 27-year-old student named Pinar Gultekin was found in a forest. She was beaten and strangled to death by her ex-boyfriend, who confessed to this crime. This incident triggered anger and protest on social media as well as in Turkey. Turkey के प्रेसिडेंट ने तो इस एक्ट को कंडेम किया है, लेकिन क्रिटिक्स का एक ऐसा ग्रुप भी है जिनका मानना है कि इन्हीं की पार्टी ने प्रोटेक्टिव बिल जैसे कि इस्तांबुल कन्वेंशन को रोल बैक करने की कोशिश की है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट की पार्टी के लोगों का मानना है कि ये जो इस्तांबुल कन्वेंशन है, दिस प्रमोट्स डिवोर्स एंड इमोरल लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो थ्रेटन्स ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। दोस्तों थोड़ी जानकारी हम ये इस्तांबुल कन्वेंशन की भी ले लेते हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन, दिस वाज एन इनिशिएटिव बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप टू बैटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। और हैरानी की बात दोस्तों ये है, जब ये 2011 में ये इनिशिएटिव लाया गया था, तो सबसे पहली कंट्री जो इसे रेटिफाई करने की वाली थी वो टर्की ही थी। टर्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड फॉरवर्ड इस्लामिक नेशंस, बट स्टिल वुमेन के ऊपर ऐसा वायलेंस जो है ये अभी भी वहाँ क्यों हो रहा है, ये हिम्मत कहाँ से आती है दोस्तों इनमें? तो ये हिम्मत आती है एक वीक जुडिशरी की वजह से, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फ्यूल करने वाले रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों से। फेमिसाइड जैसे एक हीनियस क्राइम के लिए दोस्तों यहाँ पर जो सज़ा है वो बहुत कम है, गुड बिहेवियर पे आपका सेंटेंस कम हो जाता है और इजीली बेल भी मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज और टर्की के इस फेमिसाइड प्रॉब्लम में कहाँ लिंक है? टर्की में जो भी फेमिसाइड के विक्टिम होते हैं, उनकी सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे जब भी उनकी तस्वीर दिखाई जाती है दोस्तों, तो वो हमेशा एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा कर दिखाई जाती है। एंड ये बहुत ही कॉमन साइट होता है टर्किश लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर फेमिसाइड की प्रॉब्लम साल दर साल बढ़ती जा रही है। And this black and white challenge was started as a way to raise their voices and to show compassion and stand in solidarity with the women around the world and in Turkey. To show that if they do not raise their voices today, one day their photo could be circulated across the media platform with a black and white filter. A lot of people are tagging and sharing this black and white picture of themselves and their friends without knowing the actual meaning behind this challenge. दोस्तों जब मैंने पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज के बारे में सुना था और सोशल मीडिया पे देखा था मेरे दोस्तों को ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस शेयर करते हुए, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये जैसे अभी कुछ रोज़ पहले एक सारी चैलेंज आया था, उसके पहले एक 10 ईयर चैलेंज आया था, उसी तरीके का कोई चैलेंज होगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि कितना ज़्यादा सीरियस इशू को उठाने के लिए इस हैशटैग और इस चैलेंज का यूज़ किया गया है। सो गाइस, इफ यू हैव पोस्टेड और चैलेंज समबडी विदाउट नोइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस चैलेंज, it is a sincere request to you that do share this video with those people and with other friends as well, so that they can know how important this challenge is and what is the situation of women in Turkey. Thank you for watching the video and share it with all your friends
so that they can know the actual meaning of black and white challenge. My name is Ayush, and see you in the next video. वो उर्वशी उर्वशी गाना था ना, उसकी लास्ट लाइन में बहुत अच्छी वो लाइन लिखी हुई थी कि भलाई कभी औरतों की क्रांति के बिना नहीं होगी।